वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों को बताया दिया जाता है कि ये वीडियो का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर फिर भी ये वीडियो देख के आपको गुस्सा आता है तो आप सच में चूतिया है। बूब्स और सच्चाई हमेशा दबाया जाता है, लेकिन इस वीडियो में ना हम लोग बूब्स दबाएंगे और ना सच्चाई। तो गाइस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ एक्सपोज होने वाला है। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे प्राणी एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में जिसका मिलियन में सब्सक्राइबर है और जिनका व्यूज लाखों में आते, पर इनका जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा नासमझ है, जिसको हिंदी में शुद्ध भाषा में चूतिया बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो गाइस इन भाई साहब का एक जो वीडियो है जिसका नाम है सुपर फास्ट रोटेशन रैक राइस्टर्ड वन टैप ट्रिक्स। अरे कहना क्या चाहते हो भाई, इस वीडियो में क्या होने वाला है ना मैं अभी तक समझा नहीं। मतलब यहाँ पे आपको रोटेशन रैक सिखाया जाएगा या फिर राइस्टर के वन टैप ट्रिक्स बताया जाएगा या फिर यहाँ पे आपको रोटेशन रैक वन टैप ट्रिक बताया जाएगा। भाई जिस बंदे को नाम सही से नहीं रखना आता उस बंदे के वीडियो में व्यूज देखो, 41 लाख व्यूज। तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। भाई इतने व्यूज में मेरा घर जाए ना जाए पर मेरा ईमान जरूर चला जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में भाई साहब ने जो बात किया है, जो टिप्स हमको दिया है वो बिल्कुल ही फेक है। जो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ तो वीडियो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आज मैं बहुत सारे बंदे का पोल खोलने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहो। तो फिर आओ यार, हिलाना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। अबे ठड़कियों में फ़ोन हिलाने की बात कर रहा हूँ। क्या बढ़िया था गुरु। रोटेशन ट्रैक एक ऐसा यूनिक ट्रैक प्रोसेस जिसके आते ही फ्री फायर कम्युनिटी में वन टैप का क्रेज ही बदल जाता है। अच्छा, और फ्री फायर कम्युनिटी में वन शॉट प्लेयर को एक नया फॉर्म मिल जाता है वन शॉट मारने का। ठीक है, और बात यहाँ तक ही सीमित नहीं है, अगर कोई बंदा अच्छे से रोटेशन ट्रैक को परफॉर्म करना सीख जाता है ना तो उसको वन टैप कस्टम में हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ठीक है, समझ गया। और आज हम लोग इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि रोटेशन ड्रैग आप लोग कैसे अपने मोबाइल में परफॉर्म कर सकते हैं। और गाइस अगर आप लोग 5 मिनट समय देते हैं इस वीडियो में, देन मैं श्योर हूँ कि आप लोग रोटेशन ड्रैग ना बहुत अच्छे से मारना सीख जाएंगे और अच्छे अच्छे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो उनमें से पहला बेनिफिट है फास्ट मूव। मतलब देखो, अगर आप लोग मेरे ऊपर क्लिप जो चल रहा है उसका अगर आप लोग ठीक से नोटिस करते हैं तो उनमें एक चीज आपको जरूर देखने को मिलेगा, वो है फास्ट मूव। मतलब देखो, जैसे ही मैं किसी बंदे को वन शॉट मारता हूँ मेरा कैरेक्टर इंस्टेंटली या तो लेफ्ट या फिर राइट मूव करता है, वो भी काफी फास्ट। ठीक है, और इससे देखने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब समझ सकते हो। और वाइट इफेक्ट का अगर आप लोग सारे वीडियोस को देखोगे तो सही में बोल रहे हैं उसका कितना अच्छा मूवमेंट दिखता है ना, बहुत ही फास्ट। और ये जस्ट बिकॉज पॉसिबल होता है रोटेशन ट्रैक की वजह से ही। यस, ये तो हो गया पहला बेनिफिट जो कि हम लोग रोटेशन ट्रैक के बिना नहीं कर सकते हैं। सही, बात करते हैं दूसरा बेनिफिट की। तो जो दूसरा बेनिफिट है वो है शॉर्ट रेंज में वन शॉट। देखो, विदाउट रोटेशन ट्रैक आप लोग कभी भी क्लोज रेंज में वन शॉट नहीं ले सकते हैं। अब तुम लोगों में से कुछ बंदे तो जरूर बोलेंगे यार मुझे रोटेशन ट्रैक तो बिल्कुल नहीं आता, फिर भी मैं वन शॉट मार लेता हूँ शॉर्ट रेंज में। तो गाइस मैं ऐसे शॉर्ट रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ चिपका के, मतलब एकदम चिपका के कैसे आप शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मार सकते हैं। तो ये पॉसिबल होता है रोटेशन ट्रैक की वजह से ही। विदाउट रोटेशन ट्रैक आप स्ट्रेट ड्रैग सभी देख लेते हैं। मेन जो ट्रिक है यानी कि हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं रोटेशन ट्रैक को अपने मोबाइल में। फाइनली, तो भाई इनका 5 मिनट का वीडियो है पर 5 मिनट के वीडियो में 4 मिनट का सिर्फ इनका इंट्रो है, और 4 मिनट के इंट्रो में ये क्या करता है, सिर्फ बकवास पेलता जाता है। ये करो वो करो, ये करो वो करो, ये ओ ए ओ ए ओ, बेबो में बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल मेरे आई ले लो जी ले लो। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप, सॉरी। तो भाई 4 मिनट बकवास करने के बाद फिर आखिरी के मिनट में ये बताते हैं ट्रिक के बारे में। तो यार सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रिक क्या बताता है, और ये जो बताएगा ना
उसको हम लोग प्रैक्टिकली गेम में करेंगे और सेम टू सेम प्रोसेस में करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअली इज इट वर्किंग और नॉट। सो जस्ट एग्जांपल, सामने एनिमी है मेरा, ठीक है, अभी मुझे इसको वन शॉट मारना है, मतलब रोटेशन ड्रैग के साथ। सो मुझे क्या करना है, सिंपल सा एग लेना है, सुपर जंप, ठीक है, सुपर जंप, आई होप आपको सुपर जंप के बारे में पता है। क्या बोला तूने? लेना है सुपर जंप, लेना है सुपर जंप, लेना है सुपर जंप, लेना है सुपर जंप, ठीक है। लेकिन एक सेकंड भाई, मैंने जंप के बारे में सुना है भाई, जंप बटन को प्रेस करके जो हम लोग नॉर्मली जंप करते हैं, हाँ ठीक है ये मुझे पता है, पर ये सुपर जंप, अब ये चीज क्या है? रुको मैं बताता हूँ सुपर जंप क्या है भाई। इस जंप से आप लोग धरती चीरते हुए आसमान के ऊंचाइयों में पहुंच जाओगे, जहां से आप लोग पूरे दुनिया को देख सकते हो। इसको ही बोलते हैं सुपर जंप। आई एम सॉरी बाबू। अब चलो यार आगे देखते हैं कि क्या बताता है। अगर नहीं पता तो जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इस सीरीज में सुपर जंप का भी वीडियो आएगा। तो मैंने सुपर जंप लिया है, ठीक है, अब मैंने एम को, अपने एम को मैंने करा वाइड, ठीक है, एंड रिमेंबर दैट गाइज, ऑलवेज आपका एम वाइट होना चाहिए वन शॉट के लिए। अगर आपका एम रेड है देन आप कभी भी रोटेशन ड्रैग नहीं मार सकते हैं। सो हो गया क्लियर, आपका एम भी वाइट है। अब आपको क्या करना है, अब एक चीज नोटिस करना है आपको कि एनिमी किस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, ठीक है, और ये ना सबसे बड़ा चीज है, और सारे बंदे इसी जगह पे थोड़ा गलती कर देता है। देखो इधर एनिमी इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, मतलब मुझे रोटेशन इस डायरेक्शन से लेना है, ठीक है, उसके ऑपोजिट। तो मुझे देखो फायर रोड में यहाँ पर पकड़ना है और ऐसे घुमाते हुए ले जाना है। इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, मेरा एम पूरा घूम के हेड पर चिपक जाएगा, ठीक है। सो देखो जैसे ही मैंने इस चीज को फास्टली किया, इजिली हेडशॉट पड़ गया, ठीक है। और रिमेंबर दैट गाइज, इसको थोड़ा ना फास्ट करना है आपको, स्लो अगर रोटेशन ड्रैग मारोगे ना नहीं होता है, तो थोड़ा आपको फास्ट करना है इसको। तो यार आप लोगों ने यहाँ पे पूरा ट्रिक समझ लिया है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे आपको एक सुपर जंप लेना है, फिर आपको यहाँ पे जो आपका एम है, आपका एम को एनिमी के पैरों के नीचे की तरफ रखना है, और आपका एम ऑब्वियसली व्हाइट होकर रहना चाहिए। फिर आपको एनिमी का पोजिशन देख लेना है, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रोटेशन ड्रैग मारना है, और आप लोग जो रोटेशन ड्रैग मार रहे हो वो थोड़ा सा फास्टली करना है, ये चीज है। तो चलो अभी हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो अभी मैं आपको मेरे वाले वीडियो क्लिप्स दिखाता हूँ। तो सबसे पहले डार्क टिप्स FM ने जैसा कहा था, यहाँ पे आपको एक सुपर जंप लेना है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सुपर जंप लिया, उसके बाद यहाँ पे एम को व्हाइट रखना था, तो मैंने यहाँ पे एम को व्हाइट रखा, बिल्कुल ऐसे ही जगह पर रखा जैसे व्हाइट FF ने रखा था, आप लोग देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे एनिमी का पोजिशन देखा, तो एनिमी यहाँ पे भाई स्टील खड़ा था, तो यहाँ पे मुझे राइट साइड रोटेशन रैक यूज करने का जरूरत था, तो यहाँ पे मैंने राइट साइड रोटेशन रैक जब मारा तो आप लोग देख सकते हो मेरा वन टैप तो नहीं लगा, पर एनिमी मुझे पेल के चला गया। अब देखो डार्क टिप्स FM ने जैसा कहा था, ये थोड़ा सा फास्ट करना है मूवमेंट के साथ, और रोटेशन रैक जो मारना है वो थोड़ा सा फास्टली मारना है। तो यार मैंने यहाँ पे ऐसा ही किया लेकिन कुछ काम नहीं किया। मैं आपको एक और वीडियो क्लिप्स दिखा देता हूँ, जैसा कि आप लोग ये वाले वीडियो क्लिप को देखो, यहाँ पे भी मैंने वही प्रोसेस किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सुपर जंप लिया, फिर एम को मैंने यहाँ पे व्हाइट रखा, फिर एनिमी का कैरेक्टर यहाँ पे थोड़ा सा, एनिमी का जो हेड है ना वो थोड़ा सा राइट साइड की तरफ था, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट साइड रोटेशन रैक का यूज किया, लेकिन मेरा एम भाई एनिमी के पैरों में ही चिपक गया, और मेरा यहाँ पे रोटेशन ड्रैग वन टैप हेडशॉट वर्क बिल्कुल भी नहीं करा। तो गाइस डार्क टिप्स FF का ये वाला जो वीडियो है एकदम फेक वीडियो है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लोग खुद ही जाके ट्राई कर सकते हो भाई, आपका भी हेडशॉट गारंटी नहीं लगेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो यार जो सच्चाई था मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है, जज आपको खुद को ही करना है, लेकिन बंदा यहाँ पे भाई पैसा कमा के चला गया है आपको गलत चीज सिखा के। और गाइस अगर आपको ऐसे ही और सच्चाई वाला वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक ठोको, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ठोको, और ये वीडियो ना जितना हो सके उतना पहुंचा दो जहां तक आप लोग पहुंचा सकते हो। सबको पता होना चाहिए कि कौन रियल है कौन फेक है भाई। मजा आया।